हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फाइनली स्टील गेट तैयार है और ये आज स्टील गेट की वीडियो नहीं है, इसकी भी जल्दी वीडियो आएगी। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि तो जो हम मच्छर जाली इंस्टॉल करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि जाली की वीडियो बनाइए और किस तरह से इंस्टॉल कर रहे हैं, कौन सा पेज है। आज इस वीडियो में इसी चीज़ को मैं दिखाने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे ये गेट है 3x1 के पाइप में बना हुआ है। तो हमें जो पत्ती का फ्रेम बनाना है इसके ऊपर आधा इंची चढ़ के आना चाहिए, क्योंकि आधा इंची चौड़ी 100 मोटी पत्ती है हमारी स्टील की। तो फ्रेम जो बनेगा हमारा आधा इंची चढ़ के इस पर चारों तरफ से आधा इंची चढ़ के आना चाहिए। तो फ्रेम तो हमने काट लिया है, तो चलिए आगे दिखाते हैं कैसे करना है क्या क्या। ये है आधा इंची 100 की पत्ती, इसमें सुराख कर ली ऑलरेडी हमने। ये एक एक फिट की दूरी पे सुराख करे हुए हैं, 150 का सुराख करा है इसमें। और सुराख करने का आसान प्रोसेस है, मशीन से हो जाते हैं डायरेक्ट। 304 की पत्ती है ये वाली भी। तो चलिए दोस्तों, अब फ्रेम जोड़ के दिखाते हैं, फिर रख के दिखाएंगे फ्रेम को गेट पे कैसे किस तरीके से हमने ये फ्रेम बनाया है। देखो तो दोस्तों, फ्रेम बन चुका है पूरा। तो फ्रेम दिखा देता हूँ मैंने कितना बड़ा बनाया है और कैसे बनाया है। तो ये है, इस तरीके से बनाया है, आधा आधा इंची मतलब गेट पर चढ़ के आना चाहिए फ्रेम पूरा आधा आधा इंची, ताकि हमारा स्क्रू पाइप में लग सके। चारों तरफ से ही आपका ये आधा आधा इंची चढ़ के आएगा। तो चलिए अब इस पर जाली जड़ देते हैं फ्रेम पे, फिर इसे इंस्टॉल करते हैं जाली को। तो दोस्तों, ये है जाली 304 की SS की। तो ये है फ्रेम, जाली को ऐसे बिछा लेनी है, फिर इस पर फ्रेम डालना है हमें। तो अब इसे हमें चारों तरफ से जड़ लेनी है, मोड़ लेनी है आधा आधा इंची इस तरह से, आधा आधा इंची मोड़ लेनी है चारों तरफ से। अच्छा, दो तरफ जड़ने के बाद हल्की हल्की खींच कर जड़ना दो साइड, हल्की हल्की थोड़ी खींच के मोड़नी है जाली, ताकि टाइट रहे जाली। अभी इधर से कटिंग करके इधर से भी हल्की हल्की खींच के मोड़ेंगे। तो हल्की टाइट करके मतलब खींचनी है जाली हमें, ताकि टाइट रहे जाली। तो दोस्तों, जाली फाइनली हमारी जड़ चुकी है। ये है जाली, अब लगा के दिखाएंगे हम इसमें स्क्रू कौन सा इंस्टॉल करेंगे। फिलहाल अभी मेरे पास ये दो तरह के स्क्रू हैं, कुछ इस तरीके का स्क्रू आएगा जिसमें चूड़ी बनी आती है अपनी। तो ये है NGO कंपनी के हैं और एक है स्विफ्ट कंपनी के। तो हमारे ग्रेटर नोएडा में तो ये कई सारी कंपनी के पेच आते हैं, तो देख सकते हैं 100 मोटा है। अगर आप 202 में लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा, 18 के नंबर से आपको इस ड्रिल करना पड़ेगा, तब जाके ये लग पाएगा। तो ये 304 में ही यूज़ होने वाले हैं सिर्फ, तो देख ही सकते हैं आप। एक ये वाला कंपनी है NGO, एक स्विफ्ट कंपनी के हैं, 100 मोटा रहता है, तो डायरेक्ट ही हमें लगाने में काफ़ी आसानी रहती है, सुराख करने की ज़रूरत नहीं है। स्टील का है 304 का पाइप, वरना अगर 202 का होता तो हमें फिर बिट से सुराख करना पड़ता 18 के नंबर से। तो ये लगाया स्टार बिट में स्क्रू, तो
नहीं लग चुका है दोस्तों। और याद रखें जितना जोर ज़्यादा लगेगा, और मशीन होनी चाहिए बॉस की स्लो, मतलब स्लो चलती है, स्लो मशीन चलाओगे और प्रेशर थोड़ा तेज रखोगे तो बड़ी आसानी से सुराग हो जाएगा। काफ़ी मशीनें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट स्पीड पकड़ती है तो उससे दिक्कत आती है काफ़ी। तो दोस्तों अभी हमें ये लोहे की पत्ती जो सपोर्ट के लिए लगाई थी जाली जड़ने के लिए, अब इसे हम तोड़ रहे हैं। तोड़ने से पहले हमें सुराख कर लेना है अपने को, जैसे पत्ती में हो रहा है, एक स्क्रू लगा के फिर खोल कर फिर इसे तोड़ के फिर इसी स्क्रू को टाइट करना है। तो इस तरीके से तोड़ने के बाद जाली दब जाती है, तो सुराख पहले करोगे तो दिक्कत नहीं आने वाली बिल्कुल भी देख के। मैं इधर आ यार, लो लगाओ सुराख में करो। ये देख सकते हैं दोस्तों, तो दिखाते हैं पूरी कंप्लीट के बाद। तो गाइस दो साइड लगाने के बाद स्क्रू, तो दो साइड को हल्का हल्का टेढ़ा ले रहा है, मतलब ताकि हमारी जाली टाइट हो जाए, उस तरफ को करके स्क्रू लगाना पड़ता है, थोड़ा जाली टाइट हो जाती है इस चीज़ से भी। तो दोस्तों फाइनली जाली लग चुकी है, ये देख ही सकते हैं आप, काफ़ी टाइट है, ऐसा नहीं है कि ढीली है, सबका तरीका अलग अलग है, ये देख सकते हैं। तो इतनी इतनी दूरी पे, मतलब एक एक बिलान से थोड़ा ज़्यादा, लगभग एक एक फिट पे हम सुराख कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। एक एक फिट की दूरी पे करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया जाली। तो हमारा तो ये तरीका था दोस्तों लगाने का जाली, काफ़ी लोगों को मैंने देखा भी है वीडियो में जाली लगाते हुए, पूरे गेट को मतलब ड्रिल मशीन के पास ले जाते हैं तीन जने, और दो जने पकड़ते हैं, एक जना सुराख करता है। तो वो तरीका देखो, सबका तरीका अपना अपना है, मैं कोई तरीका किसी का गलत नहीं कह रहा हूँ, पर मैंने तो अपना तरीका इसमें दिखाया जाली किस तरीके से लगाते हैं। तो स्क्रू दिखा देता हूँ मैं दोबारा आपको, और स्क्रू को तो ये वाले स्क्रू हैं दोस्तों, स्विफ्ट कंपनी के हैं, साइज आप देख ही सकते हैं इसमें, और इस तरीके से आते हैं। तो कई कंपनी के आते हैं हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ पता नहीं किस कंपनी के आएंगे, तो इस तरीके का स्क्रू होता है। तो दोस्तों इतना आसान था जाली लगाना, अगर चाहोगे तो एक आदमी भी इस जाली को इंस्टॉल कर सकता है। तो आई होप आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पेज पे हो तो फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।